आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो मिट्टी के चूल्हे पर दही जमाते हैं लाल करके, वो वाली दही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल सरताज किचन एंड ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ लाल दही। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जो मेरे घर पे डेली का दूध आता है उसको मैं गर्म करके और फ्रिज में रख देती हूँ ठंडा करके, तो मोटी मलाई जम जाती है, वही मलाई मैं रखती हूँ और उसमें थोड़ा एक एक ग्लास दूध डाल डाल के मैं इकट्ठा करती हूँ दूध को। तो 4-5 दिन दूध जब इकट्ठा हो जाता है और हर दूसरे दिन दूध को गर्म करती रहती हूँ तो दूध हमारा लाल हो जाता है, वही मैं आज आप लोगों को दही जमा के दिखा रही हूँ। इस दही से हम बटर भी बनाते हैं और इसका घी भी बना लेते हैं। जब दही हमारी जम जाती है तो इसका हम ऊपर का परत हटा के और दही हम निकाल लेते हैं, बाकी का बाद में मथ के, और इसको हम मक्खन निकाल के घी बना लेते हैं और छाछ भी बन जाता है। तो हमें 3-3 चीज़ों से इससे बेनिफिट मिलती है। आप देख सकते हैं दूध हमारा लाल हो चुका है। अब हम इसे गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने तक रखेंगे। इतना ठंडा करेंगे कि ये गुनगुना रहे, हमारा हाथ जले ना, उतना ही हमें ठंडा करना है। आप देख सकते हैं दूध हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम दही लगाएंगे। दही हमें सिर्फ छोटे चम्मच से आधा चम्मच ही लेना है, नहीं तो दही हमारी खट्टी हो जाएगी। और हमें दूध को हिलाना नहीं है, सिर्फ दही लगा के और ढक के रख देना है रात भर के लिए। दोस्तों आप देख सकते हैं दही हमारी जम चुकी है और कितनी अच्छी दही जमी है, हम आप लोगों को निकाल के दिखाते हैं। इस तरह से हम घी को साइड कर देंगे और जो दही है दही को हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितना कड़क दही जमा और कितना टेस्टी है ये, बहुत ही खाने में टेस्टी होता है और बहुत खुशबूदार होता है दही। लीजिए दोस्तों, हमारा लाल दही तैयार है। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी दही ये दिख रहा है और खाने में भी उतना ही टेस्टी होगा। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करना, और गाँव की याद दिलाती है ये दही, बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।